हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज जो ट्रेड किया गया था वो इंफोसिस, रिलायंस एंड टाटा स्टील, इन तीनों में ट्रेड किया गया था। एंड जैसे कि सभी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, सर पोजिशन प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ, तो वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। बात दरअसल ये है कि जैसे कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो पोस्ट किया था कि 8500 तक का रेंज एक मुझे दिख रहा है, जो कि यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं ओवरऑल टोटली 8500 से नीचे भी गया था, ये लगभग एक जो लोअर बना था 8400 रुपये, 8404 का, एंड लोअर सर्किट 10% का लगने के कारण मार्केट वहां पे एक घंटे के लिए, मतलब 45 मिनट्स के लिए क्लोज हो गया, स्टॉप कर दिया गया। एंड आफ्टर जो है 15 मिनट का प्री ओपन मार्केट के बाद फिर से मार्केट ओपन हुआ, राइट। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिकवरी करते हुए, ठीक है। अगर आज मार्केट 10,000 रेंज के, ठीक है ना, निफ्टी 50 जो है 10,000 रेंज के ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, तो इसमें एक जो है हमारे हिसाब से, जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक ऊपर साइड के लिए मोमेंटम जो है, ऊपर साइड के लिए कह सकते हैं कि हम इसमें बाई के लिए जो है खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी जो है आप देख सकते हैं 1100 के टारगेट को भी, 1100 को माफ कीजिए, 10100 के लेवल को भी उसने ब्रेक कर दिया। एंड आफ्टर डेट फिर जो है 9800 9700, यानी फिर अभी जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 9961.30। अभी आप देख सकते हैं टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 3:15 लगभग, ठीक है ना। दूसरी चीज ये फ्रेंड्स कि आज मैंने सीओ और वीओ में प्ले नहीं कर पाया। कारण ये था कि जब मैंने सीओ में पोजीशन लगाने की कोशिश की तो अप स्टॉक्स में, तो कारण ये था वहां पे कि दो बार जो है ना रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन इन द सेंस उन्होंने नहीं लिया वहां पे, राइट। और सीओ में जब नहीं लिया उन, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए फिर मैंने सोचा कि भाई क्या किया जा सकता है, तो फिर मैंने सोचा डिलीवरी ले लेते हैं। डिलीवरी पर कोशिश की मैंने तो वो ले लिया, हाँ, एक रेंज के जो है थोड़ा सा जो है कुछ पॉइंट्स का फर्क आया, जस्ट लाइक 2 रुपए का, तो इतनी तेजी से मोमेंटम जो था, ठीक है, लेकिन हमारी स्पीड भी उतनी ही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम पकड़ लिया हमने, जो प्राइस पे लिया है वो प्राइस में आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो फ्रेंड जो लोग नए हैं, जो लोग नए व्यूअर हैं हमारे, वो लोग प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स इंफोसिस, देखिए टोटली जो टोटल क्वांटिटी लगाई गई थी फ्रेंड्स वो 80 क्वांटिटी थी, 80 क्वांटिटीज, राइट। 80 क्वांटिटी में हमने 3700 समथिंग रुपीज बनाए, ठीक है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ सारा कुछ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर भी किया था मैंने जब मैंने लिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आता हूँ इंफोसिस पे, कहाँ पे बाई किया एंड क्या टारगेट रहा, वो सारा चीज, एसएल कितने का था, क्या रिवार्ड। चूंकि देखिए ये हकीकत है कि मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया, जस्ट लाइक रिकवरी बहुत अच्छी करी, ठीक है ना, लेकिन अभी भी कोरोना का चक्कर देश भर में, अपने आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो है आज जो है अभी महामारी घोषित कर दी गई, उड़ीसा में महामारी घोषित कर दी गई, तो कोरोना का चक्कर लगातार ये जो है, अगर अभी आज एक मौत भी हो गई है ना, कोरोना से पहला मौत हो चुका है आज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखने वाली चीज है कि मार्केट 10,000 के ऊपर क्लोज करता है या फिर 10,000 के नीचे क्लोज करता है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, राइट। क्योंकि आपको पता है कि निर्मला सीतारमण जी का जो है उनका अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे इंफोसिस में आते हैं फ्रेंड्स, कहाँ पे हमने पोजीशन लिया, ठीक है। ये हमारी पोजीशन थी 622, एक सेकंड मैं कंफर्म ही कर देता हूँ, एक सेकंड आपको, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा इंफोसिस में था फ्रेंड्स वही 623.10, ठीक है, यस 623.10। ये लेवल एक आध रुपए का ऊपर नीचे है, चूंकि आपको पता है ये काइट है तो कुछ पैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना। 623.10 पे इसमें एंट्री थी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 19 हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा 623.10 पे एंट्री है। जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें जो एंट्री हुई है वो लेवल बराबर था हमारा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला सीओ वाला लेवल वो प्रॉब्लम कर गया था, ठीक है। तो 623.10 पे हमारी एंट्री हुई है, एंड जो एग्जिट हमने किया इसमें फ्रेंड्स वो किया 654.15, ठीक है ना, 654.15। ये लेवल भी जो है, ठीक है, इससे इस लेवल पे आते ही जो है हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे इसमें जो क्वांटिटीज थी फ्रेंड, वो टोटली जो क्वांटिटी थी वो थी 20, राइट। इन्फोसिस में 20 क्वांटिटी थी और 20 क्वांटिटी में हमने इसमें जो आज कमाए वो 621 रुपए थे, 621 रुपीज, ठीक है, 621 रुपीज, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए फ्रेंड्स, ठीक है, कैलकुलेशन किया जाए तो देखिए 623.10 माइनस
618 ठीक है 0.2 ठीक है, मैं ₹4.90 ठीक है ना, ₹4.90 और देखिए ₹623.10 माइनस ₹654.15 आई थिंक सो ये था ठीक है ना, यस ठीक है ₹654.15 ₹31.05 ठीक है, समझ रहे हैं आप। और इसमें कितना था फ्रेंड्स, तो मैं एक बार कैलकुलेशन और कर लेता हूँ, भूल गया मैं, ₹618.20 ठीक है। आप देख लीजिए 7 चौक 28 1:8 चौक 32 ठीक है ना, 1:8 का लगभग 1:7 ले लीजिए, 1:7 का रेशियो यहाँ पे हमने अपना अचीव किया। एंड देन जो है फिर आप देखिए यहाँ से मार्केट जो है नीचे उतर गया ठीक है, अभी जो भी कारण रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने एनालिसिस पे भरोसा करने की कोशिश करते हैं, भरोसा होता है हमको ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इस पोजीशन पे हमने यहाँ पे ठीक है 600 देखिए ये लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जो काइट का प्लेटफॉर्म है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली कभी कभी लग जाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम बाकी जो काइट का प्लेटफॉर्म है उसमें जरोदा का उसमें क्या करते हैं हम कि प्राइस एंटर करके लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को बराबर कर सकते हैं, बट इसमें नहीं होता है ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा ₹654.15 एंड इसमें जो है 1:7 का रेशियो काफी अच्छे से आ गया है ठीक है ना, 1:7 का रेशियो ठीक है ना। तो चलिए आते हैं दूसरा जो हमारे पास स्टॉक था फ्रेंड्स, वो था रिलायंस ठीक है, रिलायंस। अब रिलायंस में कैसे था तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रॉफिट दिखाएंगे ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ मैं आपको सबसे पहले प्रॉफिट ही दिखा देता हूँ ठीक है। चलिए ओपन हो गया, मैं इसको समझा देता हूँ फिर आपको मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस जो था फ्रेंड्स वो था 9 देखिए ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं ठीक है ना, 993.90 है 89 है भले ही वो 90 है ठीक है। तो जो ₹993.90 पे लेना था, जैसे मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन ऐसा हुआ फ्रेंड्स ठीक है कि यहाँ पे हमारा पोजीशन नहीं लगा सीओ में, अप स्टॉक्स में क्या प्रॉब्लम रही होगी वो मुझे नहीं पता, फिर हमें क्वांटिटीज को छोटी करके फिर हमने डिलीवरी में ही लेने की कोशिश की, कारण ये था कैश टू कैश लेने के लिए क्योंकि इंट्राडे में सीओ हो ही नहीं रहा था ठीक है, और आपको पता है कि डिलीवरी में सीओ कर नहीं सकते राइट। तो यहाँ पे जो हमने लिया था ₹994 पे हमारी एंट्री हुई है और ₹1104.25 पे हमने इसको जो है सेल कर दिया राइट, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बाई एंड इस पॉइंट पे सेल कर दिया हमने। इसमें फ्रेंड्स जो हमारी क्वांटिटीज थी वो 10 क्वांटिटी थी, ओनली 10 क्वांटिटी ठीक है, और जो हमारा इसमें मुनाफा हुआ वही ₹1102.50 का ठीक है। चलिए तो ये था रिलायंस का, देख लीजिए काफी स्मूथली काम करा, मतलब जो हमने लेवल ड्रॉ किया था काफी अच्छे तरीके से उसने कवर किया ठीक है। मैं जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में ही वीडियो बना के रखा था कि सेल साइड का मूवमेंट है ठीक है, बट कवरेंस जो हमारे पास जो इस आज का जो रिलायंस का लेवल था ठीक है उसमें हमारा जो सोच था, चूंकि मार्केट जब क्लोज हुई ठीक है एक घंटे के लिए, तो उसमें जो सिनारियो दिख रहा था मुझे वो एग्जैक्टली यही था कि इस लेवल को जो है ब्रेक करने के बाद ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहां से एक मूवमेंट हमें दिख सकता है, तो सो हमने यहां पे वही चीज को फॉलो किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है ठीक है। तो ये एकदम अलग ही स्टाइल से इसको चुना गया था ठीक है। जो तीसरा जो एक स्टॉक था वो था टाटा स्टील, टाटा स्टील का फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूं आपको ठीक है, कहां पे इसको बाय किया गया था राइट, ₹272.80 फ्रेंड्स ये 8 पैसे ऊपर लाइन है, जैसे मैंने आपको फिर से बताया हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके इसमें दिक्कतें आ जाती हैं, तो कोई बात नहीं है इससे ठीक है। ₹272.80 पे इसमें जो था आपका एंट्री था राइट, ये जो रिजेक्शन आप देख रहे हो प्रॉपर वे में राइट, एंड जो टारगेट डिसाइड किया गया था फ्रेंड्स वो था ₹314.10 ठीक है। ये थोड़ा सा प्राइस जो है यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो बराबर है, लेकिन चूंकि रेड कैंडल जैसे ही इसने सस्टेन किया हम यहाँ पे एग्जिट किए, तो जो हमारा एग्जिट जो हुआ है वो ₹314.10 पे हुआ है ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स जो हमने प्रॉफिट किया उसका स्नैपशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, चूंकि मैंने इसमें नहीं किया। अब देखिए एक चीज और कि फ्रेंड्स यहां से निकलने के बाद भी सस्टेन किया देन ये ऊपर की तरफ अभी भी चल रहा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा जो टारगेट है मिल गया और मिलने के बाद कुछ भी हो गए ठीक है ना, और जो अभी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स वो हो रहा है 3:21 ठीक है। तो ये चीज है मार्केट का, आप देखो थोड़ा सा सिनारियो समझने की कोशिश करो, तो 9,943 अगर 10,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है ठीक है, तो अभी भी इस पे क्योंकि देखिए अभी कोरोना का चक्कर चल रहा है, अभी जो वायरस है उस पे भी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है विश्व भर में, तो इसमें भी हो सकता है कि एक जैसे कि लोअर सर्किट लगने के बाद जैसे एक रिकवरी आती है, तो अभी चांसेस हैं इसके ऐसा कि मार्केट अभी गिर सकती है,
इसलिए ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो टाटा स्टील में आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है 272 रुपए 80 पैसे से, ठीक है ना, और 314 रुपए अगर इसको मैं थोड़ा सा माइनस करूं कितने रुपए हो गए। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करता हूं फ्रेंड्स। क्वांटिटीज बता दूं, इसमें 50 क्वांटिटीज थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 272 रुपए 80 पैसे माइनस 267 रुपया 45 पैसा, ठीक है ना, या 5 रुपए 35 पैसे का एसएल था। क्वांटिटीज छोटी इसीलिए किया गया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 रुपए 35 पैसे का, और जो आप देखिए इसमें जो टारगेट आप देखोगे 272 रुपए 80 पैसे और माइनस 314 रुपया, ठीक है ना, 10 पैसा। मैं एग्जैक्टली वही प्राइस ले रहा हूँ जिसमें मैंने एग्जिट किया है, 41 रुपए 30 पैसे, ठीक है ना। तो सोचिए 5.35, ठीक है ना, 35 यही था, ठीक है ना, इंटू 8 करो 41 रुपए आना चाहिए। तो ये देखिए 42 हो गया, 8 करने पे 5.35 इंटू 7 अगर कर दूं तो 37। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे कि 1:7 समथिंग, 7.5 कह लीजिए जो भी कहना, ठीक है ना। तो 1:7 प्लस आरआर रेशियो था, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो था यहाँ पे वो 1:7+ का था, ठीक है ना। तो यहाँ पे था, आते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने टारगेट जो आपको प्रॉफिट वो मैं दिखाता हूँ। टोटली जो मैंने आज जो क्वांटिटीज जो मैंने लगाई थी तीनों में, इंफोसिस, रिलायंस और टाटा स्टील में, ठीक है ना, तीनों में जो मैंने क्वांटिटीज लगाई थी फ्रेंड्स, वो मैंने टोटली 80 क्वांटिटीज लगाई थी। कारण ये था कि मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो अपनी ओर से सेफ काम करना ये ज्यादा बेहतर होगा। तो आते हैं स्नैपशॉट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि टेलीग्राम चैनल्स पे मैंने शेयर किया था अपने प्रॉफिट को। चलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो पोस्ट किया गया था, ठीक है, ये किया गया था कल के दिन, ठीक है, ये जब मार्केट जो थी निफ्टी 50 फ्यूचर की 8712 पे काम कर रही थी, ठीक है। अब आते हैं स्क्रीनशॉट पे जिसपे हमने जो है प्रॉफिट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैंने 20 क्वांटिटी लगाया था, जैसे मैंने बोला इंफोसिस में 20, रिलायंस में 10 और टाटा स्टील में 50, टोटल जब 2198 का प्रॉफिट चल रहा था, तो मैंने एक स्नैपशॉट भेजा था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मैंने डिलीवरी में किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे होल्डिंग नहीं करना था। होल्डिंग करना होता तो मैं इसको और क्वांटिटी भर के छोड़ ही देता, कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, राइट। लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे अभी आएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है अपना पोजिशन देखिए 21 2198 रुपए 50 पैसे, क्वांटिटी टोटल 80 क्वांटिटी है, ठीक है। आते हैं सेकंड स्नैपशॉट जो है वो है, सेकंड स्नैपशॉट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफोसिस जैसे कि है, ठीक है, यहाँ पे 340, 648 और 1517 क्वांटिटी, ठीक है ना, माफ कीजिए रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड वन जो है, जो प्रॉफिट हमने बुक किया वो प्रॉफिट ये है, आप देख सकते हैं क्वांटिटीज टोटली जीरो हो गई एंड 3788 रुपए 50 पैसे का जो हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रेंड्स कि हमने टोटल 80 क्वांटिटीज, 80 क्वांटिटी लगा के 3788 रुपए, ठीक है। आज जैसे कि मार्केट देख रहे थे फ्लक्चुएशन ज्यादा था, है ना, एक तो मूवमेंट इतना तगड़ा था कि पकड़ पाना, एकदम पॉइंट पे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल, इतना जल्दी से फ्लक्चुएशन कर रहा था, ठीक है। और एसएल भी इतना बड़ा बड़ा है कि हिट करे ना करे, हिट करे ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो इसमें हमने अपना स्टॉप लॉस जो है पहले से मेंटेन करके रखा था कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, इस सिनेरियो को जैसे ही नीचे आएगा हम यहां से एग्जिट मार देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लॉसेस सहने के लिए भी तैयार है हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम फिलहाल जो मार्केट, जो हमारी सोच है, ठीक है ना, बाई साइड का, मेरा माइंड सेटअप था बाई के लिए, क्योंकि मार्केट एक लोअर सर्किट लगा तो देन हम यहां से सही हो गए कि यस लोअर सर्किट लगा था, नहीं वो जाएगा ही ऊपर अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि डॉ ग्लोबल लेवल के जो मार्केट थे वो ऑलरेडी ऊपर के साइड मूवमेंट कर रहे थे, जस्ट लाइक वो अपने को कवर कर रहे थे रिकवरी। तो जब वो रिकवर कर रहे थे डेफिनेटली हमारा भी करेगा ही करेगा, इंडिया भी, राइट। एशिया लेवल पे कुछ जो देश हैं, कंट्री है, वो थोड़ा सा माइनस में बंद हुए हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भी जो मार्केट को लेके सोच है फ्रेंड्स वो यही है कि अगर 10,000 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तो फिर बाई का सिनारियो रहेगा, ठीक है ना। बचा है केवल 3 मिनट बचा हुआ है मार्केट क्लोजिंग में, तो आइए चलते हैं देखते हैं मार्केट का क्या सिनारियो है। फ्रेंड जैसा आप देख पा रहे हो अभी कि टाटा, माफ कीजिए, निफ्टी जो है, ठीक है, निफ्टी जो है वो 10,000 के ऊपर जो है लगता है क्लोजिंग जो है रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10,000 के ऊपर जो है काम करता हुआ टाटा स्टील 330 पहुंचता हुआ, ठीक है,
तो यहां से आप देख सकते हैं टोटली 14% का 15% का एक जो है हाई सर्किट लगाता हुआ, और मार्केट 10,000 के ऊपर क्लोजिंग लगता है कर देगा। टोटली हमारे पास जो बचे हैं वो 3 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड बचे हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी मार्केट क्या कहता है, क्लोजिंग मेन इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग होनी जरूरी है, राइट। तो मार्केट जो है अभी यहाँ से अगर संभल जाए 2 दिन, 1-2 दिन बस इस रेंज पे अगर घुमा दे तो ठीक है, तो फिर तो अच्छा ही हो जाए, फिर मार्केट अपट्रेंड के लिए मूव कर जाएगा, देन आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोरोना का चक्कर, अगर कोरोना का लेवल अगर और बढ़ेगा, राइट, तो मार्केट फिर से धड़ाम होने वाली है। क्योंकि आप ये मत देखो कि विश्व लेवल का मार्केट जो है बढ़ रहा है, तो ये भी हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि कोरोना अभी भारत पे क्या असर है, कितना इसका अभी खतरा मंडरा रहा है, कोई अगर वैक्सीन वगैरह कुछ निकल जाए तो ठीक है, राइट, जब तक इसकी रोकथाम नहीं हो जाएगी, मतलब ऐसा कि कंफर्मेशन मार्केट को ना मिल जाए जब तक कि हाँ भाई यहाँ से अब नहीं होगा, इसका रोकथाम निकल गया है, तब तक जो है मार्केट में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और अभी यहाँ से देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर भी बढ़ता हुआ, और निफ्टी फ्यूचर का जो एक लेवल ड्रॉ किया था मैंने, ठीक है, वो मॉर्निंग में ही किया था मैंने, राइट, जो कैंडल खुलने के बाद कैंडल गैप डाउन में यहीं पे खुली, एंड देन ये नीचे, देन ये ऊपर की साइड मूव किया, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट और बचा हुआ है, 1 मिनट भी नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ सेकंड है, ठीक है, तो मैं कुछ सेकंड बना रहता हूँ आपके साथ, जैसा कि मार्केट की क्लोजिंग मेन है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, राइट। और टाटा स्टील 330 रुपये समथिंग पैसे पे, M&M 444, सभी जो मार्केट में सारे ही निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक लगभग लगभग जो है ग्रीन जोन में है, ठीक है, 10,020, और ये क्लोजिंग हो ही जाएगी ऊपर साइड में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो एक ख्वाहिश थी कि भाई मैं अपना प्रॉफिट दिखाऊं, राइट, वो प्रॉफिट मैंने दिखा दिया, क्वांटिटीज छोटी लगाई मैंने, कारण मैंने बता दिया आपको। देखिए ये नहीं है कि भाग रहा है, अब कितने लोग सोच रहे होंगे क्या मूर्ख था बंदा यार, कितना भाग गया, 14 पे निकाल दिया टाटा स्टील को, 29 भाग गया, 30 भाग गया। फ्रेंड्स मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट क्लोज हो चुका है फ्रेंड्स 10,023 पे, ठीक है। अभी क्या सिनारियो क्रिएट होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, जब भी ऐसा होता है, तो मैंने आपको मॉर्निंग में भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, एंड टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ कि क्या मार्केट का सिनारियो हो सकता है, राइट। लेकिन फिर भी जो सिनारियो था वो मैंने आपको सारा चीज समझा दिया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, ठीक है, बहुत लेस क्वांटिटी से, ऐसा भी नहीं कि मैंने 250-300-400 क्वांटिटीज को डाल रखा है, ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम, चूंकि मार्केट में रिकवरी पॉइंट था। लेकिन आप देखिए इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये M&M में M&M खुल जाए, ठीक है ना, इतनी इतनी पॉइंट पे, देखिए ये जो इतने नीचे गिरा है ना, इसमें तो कितने लोग तो भाग खड़े होंगे, राइट, ये एक रिकवरी पॉइंट था, ठीक है, ये एक रिकवरी पॉइंट था, अपने आपको थोड़ा सा रिकवर किया, देन अप ट्रेंड जब किया तो देखिए 445 पहुंचा दिया, और रिकवर कहां तक किया था, 405 तक, लगभग 40 पॉइंट का, 40-42 पॉइंट का अप ट्रेंड दिखाया, राइट। तो चलिए मार्केट तो अभी क्लोज भी हो गया, एंड हमने अपना जो पोजिशन लिया था, जो प्रॉफिट था, वो भी हमने आपको दिखा दिया। तो ये था आज का हमारा ट्रेड, कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक है। कोर्स से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, वहां से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट, और मेल आईडी ऑल्सो, ठीक है, मेल आईडी भी मिल जाएगा, मेल आईडी से मेल भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।